अच्छा जी, ये शेप हमने बनाई, शेप में मैंने कलर फिल कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही शेप ये, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बनाते हैं, मार्केट टूल लेते हैं और इस तरह से पूरी एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसमें कलर हम लेते हैं ये वाला, ये हो गया, ठीक है। और इसको ले आते हैं हम इस वाले लेयर के पीछे यहाँ पे, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से वेट इंक्रीज करता हूँ और इसको उठा के मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ी सी वेट इंक्रीज करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इधर थोड़ा सा हम ना टेक्स्ट ऐड करते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा हुआ है फॉन्ट का, इसको वाइट कर लेते हैं। यार अभी ना टाइम उसमें थोड़ा सा रह गया है, हमारी क्लास एंड होने में, तो अब बस ये मैं कंप्लीट करके फिर हम ब्रेक करेंगे, मतलब क्लास खत्म कर देंगे बस, ठीक है। एक्सप्रेस फोटोशॉप एडिटिंग सर्विसेज, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, बस ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड, जरा सामने ले आते हैं, बैकग्राउंड रिमूव चेंज, हाँ बस ये लिखा रहने देते फिलहाल, बैकग्राउंड रिमूव एंड चेंज। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट का साइज छोटा कर देते हैं, ये स्पेस, ठीक है। और इधर यहाँ पे मेरा ख्याल है एक शेप हम ऐड कर देते हैं, ये मैंने एक न्यू लेयर बना लिया, यहाँ से एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करते हैं और एक ये सर्कल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और इसमें हम सेम यही कलर फिल कर लेते हैं, और इसमें मैं टेक्स्ट लिखूँगा जस्ट इन $5। ये हो गया जी। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और अगर ऐड करना है तो देख लेते हैं, और ऐड करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, हाँ यहाँ कर लेते हैं,
इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। डिलीवरी इन जस्ट छोटा करते हैं, और इसका कलर ये वाला कर देते हैं। डिलीवरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, बोल्ड तो ऑलरेडी है ये, ठीक है। ये इसको इधर इसका टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक हो गया, ये कवर हमारा रेडी है। अच्छा अब देखिए, मैं अगर इसको सेव करता हूँ ना, तो एक चीज़ आपने नोट करनी है, अगर मैं इसको एज ए PNG सेव करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा ना, जो बैकग्राउंड पीछे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एज ए JPEG सेव करूँगा तो इसके बैकग्राउंड पे वाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं ज़रा इसको पहले एज ए JPEG सेव करता हूँ, ये इसको मैंने JPEG सेव करवा दिया। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ एज ए PNG, यहाँ से हम इसको एज ए PNG सेव करते हैं, ये PNG सेव हो गया। असल में हम जब PNG भी यूज़ करेंगे ना, तो जब इसको हम हमारी गिग पे लगाएंगे कवर पे, एज ए कवर हम इसको जब यूज़ करेंगे ना, तो थोड़ा सा इशू आएगा, वो ये आएगा कि इसका बैकग्राउंड कोई भी आ जाएगा। जब मैं इसको गिग के कवर पे लगाऊंगा ना, तो जो डिज़ायर्ड इसका बैकग्राउंड मैं लगाना चाह रहा हूँ वो नहीं आएगा, कोई भी कवर आ जाएगा यहाँ पे। मतलब जो फाइबर की साइड पे जो डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर होगा ना, वो आ जाएगा। तो मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंपल जो ट्रांसपेरेंट है ना, क्लाइंट को भी इसी तरह ट्रांसपेरेंट ही विजिबल हो। पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी जो हमने सेव की दोनों फाइल्स, इसको ज़रा मैं बंद करता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स में। ये देखिए, एक तो ये आ गई, ये हमने सेव किया एज ए JPEG आई थिंक, और एक हमारी है ये PNG और ये JPEG, ठीक है। क्यों नहीं ओपन हो रही, जी ये देखिए, ये वाली PNG है और इसके बैकग्राउंड पे ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, ये विंडोज़ का है, इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है। और ये हमारी जो है वो JPEG है, देखिए ये .JPEG लिखा हुआ है, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है। इसको जब हम किसी कैनवस पे भी लेके जाएंगे ना, तो इसका बैकग्राउंड आएगा वाइट और इसके साथ कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा। ये जो ये हमारी PNG है ना, इसके साथ कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा, ये PNG है। अच्छा अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब इसको एज ए कवर यूज़ करूँ हमारी गिग पे, तो फिर उसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा। देखिए ये मैंने इसको ओपन कर लिया है और को PSD भी इसकी सेव कर ली है। मैं ना थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं इसको जरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल मैंने ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया, इसको ज़रा फुल स्क्रीन करते हैं एक बार, ये ताकि मैक्सिमम जूम इन हो के अच्छी क्वालिटी हमारे पास आ जाए। और अभी ये मैं ओपन करता हूँ यहाँ से स्निपिंग टूल न्यू, और ये इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह से। शिट, ये विंडोज का भी आई थिंक बीच में आइकन आएगा, चले देखते हैं। हाँ वो एक्टिवेट विंडोज वाला भी आइकन आ गया, उसमें दोबारा लेते हैं स्क्रीनशॉट इसका, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं यहाँ।
कंट्रोल आ गए बीच में।